जीएमडी ब्रिक्स एंड पावर ट्रैक ट्रैक्टर, दिसंबर माह तक ट्रैक्टर की खरीदारी पर किसानों के लिए आकर्षक उपहार। हमारा पता है बैरिया चौक टीवी टावर के नजदीक डाल्टनगंज। मोबाइल नंबर 6206777767। जनता दरबार में पिपरा से आई सहायक शिक्षिका ने उपायुक्त को बताया कि उनका मूल विद्यालय गुरुवार प्रभावित क्षेत्र में मुख्य सड़क से 7 किलोमीटर दूर है। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि समय पर विद्यालय आने जाने के लिए आवागमन के साधन का अभाव है, साथ ही मेरी सासू माँ जो एक बुजुर्ग महिला है, उनकी तबीयत खराब होने के कारण बेहतर इलाज हेतु मेदिनीनगर जाना पड़ता है, अतः उन्होंने उपायुक्त से अपना स्थानांतरण पिपरा से जिला मुख्यालय में करने हेतु अनुरोध किया। इसी तरह पाकी के डंडार से आए अर्जुन भुइया ने अपने गांव के ही कुछ दबंग लोगों पर उनके रेती जमीन से जबरदस्ती बेदखल करने की शिकायत की। इसी तरह सदर मेदिनीनगर प्रखंड के सिंगरा खुर्द से चंद्रशेखर शुक्ला ने दाखिल खारिज नहीं होने से संबंधित आवेदन दिया। नगर उटारी से आए बसंत कुमार चौधरी ने पीएम आवास के लाभुकों के पत्नी के नाम से दूसरा आवास देने, सुखाड़ राहत राशि का 5,74,000 रुपये का फर्जी तरीके से गबन करने की शिकायत की। आज के जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से जुड़े कुल 23 मामले आए, जिसमें वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन शामिल थे। इस दौरान अकेले पाकी से पेंशन के कुल 13 आवेदन आए थे। उपायुक्त ने सभी पेंशन संबंधित आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, दाखिल खारिज, स्थानांतरण, पेंशन व राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आए, जिसे उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया।